नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। विधानसभा गणित की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झज्जर जिले की हॉट सीट बहादुरगढ़ के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको लोकसभा चुनाव का आंकड़ा दिखाते हैं, यानी कि पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव में बहादुरगढ़ की सीट से कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जीता है वो आपको बता देते हैं। साल 2014 की बात करें तो प्रचंड मोदी लहर में भले ही रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा अपना किला बचाने में सफल रहे, लेकिन बहादुरगढ़ विधानसभा से उनकी हार हुई और उनको हराया भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ ने। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा अपना रोहतक लोकसभा क्षेत्र भी हार गए और भाजपा ने एक बार फिर से बहादुरगढ़ में जीत दर्ज की और इस बार भाजपा के उम्मीदवार थे डॉक्टर अरविंद शर्मा। वहीं अगर बात हाल ही में हुए 2024 लोकसभा चुनाव की करें तो दीपेंद्र हुड्डा ने शानदार वापसी की और न सिर्फ बहादुरगढ़ बल्कि झज्जर जिले की 4 विधानसभा से कांग्रेस की जीत दर्ज हुई। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 3 लोकसभा चुनावों में बहादुरगढ़ विधानसभा से 2 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। लोकसभा के बाद बात अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव की करें तो 2009 में कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह जून ने यहां से चुनाव जीता, 2014 में भाजपा के नरेश कौशिक ने ये सीट अपने नाम की और 2019 में एक बार फिर राजेंद्र सिंह जून ने ही वापसी करते हुए भाजपा उम्मीदवार को धूल चटाई और सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। कुल मिलाकर पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा जीती है। वहीं अगर पिछले इन 6 चुनावों में ओवरऑल स्कोर की बात करें तो बहादुरगढ़ एक ऐसी सीट है जहां 3-3 का स्कोर रहा है, यानी दोनों पार्टियां यहां पर बराबरी पर रही हैं। 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 3 बार भाजपा ने। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बहादुरगढ़ की सीट किसके नाम रहेगी, कौन यहां से चंडीगढ़ जाएगा। मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस इलाके में कांग्रेस मजबूत नजर आती है, मगर इनेलो की ओर से पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के परिवार को टिकट देने के ऐलान के बाद अब बहादुरगढ़ में कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से बहादुरगढ़ की सीट से कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। जल्द मुलाकात होगी एक नए विधानसभा के वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।